पारो। पारो पारो चल घर चलना। रुको। मेरी बेटी कहाँ है? हमारी पोती के बारे में बात कर रही हो ना, तो हम तुम्हें बता दें कि हमारी पोती इस वक्त तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर में। नहीं मॉम, एक्चुअली पारो यहीं पे है, रोहन के साथ पढ़ रहे हैं दोनों। मैं लेकर आ। रुको। अच्छा हुआ तुम आ गए। ऋषि का एक सवाल है और हमें लगता है उसका जवाब तुम्हें भी सुन लेना चाहिए। कौन सा सवाल? मैंने क्या सवाल किया? तुमने पूछा था ना अभी हमसे पुलिस स्टेशन में कि हम ये कस्टडी केस क्यों कर रहे हैं। तो जवाब है लक्ष्मी। लक्ष्मी की वजह से कर रहे हैं। इसने हमसे कहा है कि ये पारो को हमसे छीन लेगी। इसने ये भी कहा है कि ये पारो की माँ है और पारो सिर्फ इसकी है। लेकिन हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि पारो अब इस घर में आएगी और इसी घर में रहेगी। किस हक से? ये भी बताना पड़ेगा। पोती है वो हमारी, सिर्फ इसीलिए? नहीं, बहुत प्यार करते हैं हम उससे, इसलिए। अब बात प्यार की है ही नहीं। अब बात है आपके ईगो की, आपके घमंड की, आपके अहंकार की। और आपके ईगो की वजह से आप ये सब कुछ कर रही हैं। आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने आपको चुनौती दी, आपको चैलेंज दिया, इसलिए आप ये सब कुछ कर रही हैं ना? तो इसमें गलत क्या है? ये चैलेंज, ये चुनौती, ये शुरू किसने किया? तुमने। हम तो ये सब करना ही नहीं चाहते थे। हमने तो बुलाया था तुम्हें पार्टी में ताकि हम शांति से, प्यार से, आराम से तुमसे बात कर सके, समझा सके तुम्हें कि पारो को एक बेहतर भविष्य हम दे सकते हैं, इसलिए उसे हमारे पास रहने दो। उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसके भले के लिए अच्छा होगा कि वो हमारे पास रहे, और हमें ये करना चाहिए। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो लक्ष्मी, तुम पारो को वो सब नहीं दे सकती जो हम दे सकते हैं। वो सारी सुविधाएं हम पारो को दे सकते हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। उसकी पढ़ाई, उसका खाना पीना, उसका रहना सहना, उसका पहनना ओढ़ना, उसका भविष्य, उसको एक बेहतर भविष्य हम दे सकते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती उससे भी बेहतर भविष्य दे सकते हैं। और इसका सबूत तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ऋषि ने उसकी पढ़ाई का इंतजाम पहले ही कर दिया है। यहां पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे अब्रॉड भेजेंगे हम। उसकी शादी एक अच्छे घर में, एक अच्छे खानदान में कराएंगे, एक ऐसे लड़के के साथ जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकती, जिसका तुम सपना भी नहीं देख सकती। वो कौन था? वो शराबी, वो लड़का जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, बलविंदर। उस बलविंदर जैसे लड़कों के साए से भी दूर रखेंगे हम अपनी पोती को। एक बहुत 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 अच्छी जिंदगी देंगे हम उसे। लेकिन लक्ष्मी, अगर तुमने पारो को हमें नहीं दिया तो हमारा फैसला तो जानती ही हो तुम। और ये डराने धमकाने के लिए नहीं कह रहे हैं हम, सच में ऐसा करेंगे। हम कोर्ट जाएंगे, कानूनन अपना हक हासिल करेंगे, कानूनन अपनी पोती को हासिल करेंगे हम। आपको अपना हक हासिल करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे मेरा हक 6 साल पहले ही मिल गया था। 6 साल नहीं, 6 साल 9 महीने पहले। क्या 9 महीने तक जब पारो मेरी कोख में थी तब? तो मुझे अपनी बेटी के हक के लिए कुछ हासिल करने की और किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पारो मेरी बेटी है। ये उतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा सच ये है कि मैं जिंदा हूं और सांस ले रही हूं। उतना ही बड़ा सच है कि पारो मेरी बेटी है।
और मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी।